ड्रीम इलेवन क्रिकेट धमाका में आपका स्वागत है। मैं हूं समीप राजगुरु, अंजुम हमारे साथ स्टूडियो में आ चुकी है। अंजुम स्वागत है। शुक्रिया। हालांकि अंजुम थोड़ी सी आज निराश है कि कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उन्हें लगा था शायद ये टीम जीत सकती है। मैच से पहले उन्हें फेवरेट लग रहा था, लेकिन इस बारे में हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने एक धमाकेदार शुरुआत के बाद यहां पर आज टीम थोड़ी सी फिसड्डी निकल गई और 10 रन से मुकाबला गंवा दिया मुंबई इंडियंस के खिलाफ, जिसने इस टूर्नामेंट की शुरुआत आईपीएल सीजन 14 की शुरुआत जो की थी वो हार के साथ की थी। और टोटका है ये मुंबई इंडियंस के लिए, जब भी हार के शुरू करते हैं वो टूर्नामेंट ही जीत जाते हैं। और हमने लगातार ये कहा भी है कि लगातार जो है हैट्रिक के दहलीज पर खड़ी ये टीम मुंबई इंडियंस सबसे मजबूत टीम में से एक है आईपीएल के अंदर, एक ऐसी टीम जो 1 नंबर से लेकर 11 नंबर तक के खिलाड़ी आपको याद रहते हैं। संजय मांजरेकर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले और मैं ब्यौरा दूं आपको, 10 रन से मुकाबला जीता मुंबई इंडियंस ने। हालांकि आंद्रे रसल का 2-2 कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उसका भी वो फायदा नहीं उठा पाए और सिर्फ 153 रनों का लक्ष्य यहां पर था केकेआर के सामने, जो कि आराम से उन्हें पा लेना चाहिए था। 72 बिना किसी नुकसान के 72 पे 1 विकेट खोया और उसके बाद अगले 50 रनों में उन्होंने खो दिए 5 विकेट, 122 रन पे 5 हो गए और उसके बाद 18 रन ही वो और जोड़ पाए, 3 विकेट भी नुकसान हुआ उनका। 8.5 ओवर में शायद वो 72 रन बना चुके थे, करीब 81 रनों की जरूरत थी, अगले 11 ओवर में 9 विकेट हाथ में थे। तो यहां से तो आराम से जीतना चाहिए था कोलकाता नाइट राइडर को, जिस टीम में मॉर्गन और रसल जैसे खिलाड़ी मौजूद हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी को क्रिकेट कहते हैं, गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितताओं का खेल। संजय मांजरेकर भी जुड़ चुके हैं और मुंबई इंडियंस काफी दिल के नजदीक है, मुंबई से ही जुड़े हैं, तो उनके पास पहले चलते हैं संजय मांजरेकर के पास, जो कि आज मैंने ऐसे मजाक में कहा, लेकिन हमारे ड्रीम इलेवन फैंटेसी क्रिकेट के हमारे चीफ सिलेक्टर भी हैं, लेकिन उन्होंने मजाक में कुछ और नाम दिया अपना। संजय क्या कहेंगे इस जीत के बारे में, पहली पारी देखने के बाद लगा कि शायद केकेआर इस मुकाबले को जीतकर दूसरी जीत दर्ज कर सकती है इस सीजन में? देखिए, पहले तो एक क्लैरिफाई करना चाहूंगा आपको कि मुंबई इंडियन मेरे दिल के करीब नहीं है, क्रिकेट मेरे दिल के करीब है। क्या बात तो है। जो भी टीम अच्छी खेलती है उनके करीब मैं हो जाता हूँ, और जो टीम ठीक नहीं खेलती उनसे बहुत दूर भागता हूँ। तो मैं बहुत ही, वो कहते हैं ना कि बहुत फिकल हूँ मैं, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही उनके साथ चलता हूँ, जिनकी नहीं तो दूर हो जाता हूँ। तो वैसा मेरा क्रिकेट देखने का अंदाज है, लेकिन ये मैच केकेआर को जीतना था। अंजुम ने सही टीम पिक की थी जीतने वाली, ये मैच उनको जीतना था और ये बहुत ही गजब का रिजल्ट है। ऐसे बहुत कम बार दिखता है कि बॉलिंग टीम वापसी करती है मैच में, हमेशा हम देखते कि बल्लेबाज कुछ अलग करिश्मा करके मैच जिताते, इस बार बॉलर्स ने करिश्मा करके मैच जिताया। बिल्कुल, और लाजवाब प्रदर्शन यहाँ पर मुंबई इंडियंस का, ये देखते हुए कि पहली पारी में जब उन्होंने बल्लेबाजी की, पहले बल्लेबाजी करते हुए टारगेट ऐसा नहीं दिया और ना ही शुरुआती उनको सफलताएं मिली थी, जिससे ये हमें थोड़ा सा आश्वासन मिले, ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं ये जो है अब मुंबई इंडियंस इस मुकाबले को जीत सकती है। जबरदस्त कमबैक किया और जैसा कि संजय ने कहा, वाकई में जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर कहना ही होगा समीप, बिकॉज अगर 152 रन टीम जिसके बल्लेबाज आप ऊपर से देखें नितेश राणा और नीचे तक जाएं तो आंद्रे रसल हो, पैट कमिंस हो, इवन हरभजन सिंह बल्ला अच्छी तरीके से घुमा सकते हैं, अगर इतना लंबा बल्लेबाजी का क्रम रहेगा जो पिछला मुकाबला जीती हुई आई है टीम और 160 रन किए जिन्होंने, 170 रन किए जिन्होंने, वहाँ से आप मैच हार जाएँ, मुझे लगता है कि ये मतलब विश्वास करना बहुत बहुत मुश्किल है कि ये क्या हुआ और कैसे हो गया। बिकॉज ये हो सकता है कि आपके एवरेज 6 से 7 तक पहुंच जाए, औसत रन चेस करने की 8 तक पहुंच जाए, लेकिन आप मैच ही हार जाए, ये बिलीव करना आई थिंक बहुत ही खराब क्रिकेट। और ये मैच अगेन जिस तरीके से बहुत करीबी मुकाबले मैच टीम जब जीत जाती है तो अंत में जाके उनको फायदा मिलता है, इस मैच को हारना कहीं बहुत भारी ना पड़े कोलकाता के लिए। चलिए, शुरुआती दौर है, दूसरा ही मुकाबला था और पहला मुकाबला जीता था बड़े जबरदस्त अंदाज से, रन रेट भी बहुत जबरदस्त था, लेकिन ये मुकाबला जो जीतना चाहिए था वो केकेआर ने गंवा दिया। लेकिन कमाल की बात यह है कि पिछले सीजन यानी कि आईपीएल सीजन 13 में भी दोनों मुकाबले मुंबई इंडियंस ने कोलकाता के खिलाफ जीते थे, तो यहां पर केकेआर के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगा दी। लेकिन संजय, अगर बात की जाए, पहली पारी में 10 में से 8 विकेट तेज गेंदबाज ले गए, दूसरी पारी में 7 में से 5 विकेट स्पिनर्स ले गए, तो यहां पर दोनों तरफ अगर देखा जाए अलग अलग यहां पर तरीका रहा विकेट लेने का। जी, और अलग अलग रणनीतियां भी थी। ऑयन मॉर्गन ने पहले 15 ओवर में जो उन वो जब फील्ड में थे तो 10 ओवर ऑफ स्पिन था, तो उनकी भी टैक्टिक बहुत अच्छी थी और पिच कहीं ना कहीं उसका जो इन्फ्लुएंस होता है पिच की वजह से जैसे मैच चलता है वो दिखाई दिया। जो शाम का वक्त था, पहले इनिंग्स का वक्त था, तब लग रहा था कि पिच में थोड़ी सी टर्न है,
इसलिए मॉर्गन स्पिनर्स को ज्यादा यूज कर रहे थे। जैसे जैसे बॉल पुराना होता गया और जो रात का वक्त था तो ऐसा लग रहा था कि अब बॉल ठीक तरह से बल्ले पे आ जाएगी जैसे बंबई में होता है, लेकिन वैसे हुआ नहीं। स्पिन और भी ज्यादा होने लगा और पहली बार हमने चेन्नई में देखा है कि तीसरा मैच है कि जहां पर बॉल टर्न हो रहा है, राहुल चहर ने बॉल टर्न किया और आज का मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट जो इस गेम में जो लाया वो राहुल चहर ने लाया। 4 विकेट लिए 27 रन देके केवल, और उसके बाद आपने कभी आईपीएल में रन चेस में देखा होगा कि 18वां और 19वां ओवर 3 और 4 रन दिए हो किसी बॉलर ने, तो ये गजब का मैच था। गजब की बॉलिंग उतनी ही मुझे लगता है कि बुरी बल्लेबाजी के केआर की, और जो उनका आत्मविश्वास पिछले मैच से एकदम जब आसमान को छूता हुआ गया होगा वो अभी बिल्कुल जमीन पे आ गया है इस हार के बाद। अब मॉर्गन को क्या हो गया है संजय, क्योंकि मॉर्गन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट लगातार खेल रहे थे और मॉर्गन का बल्ला ना चलना लगातार 2 मैचेस में ये एक चिंता का विषय है, और रसल जो कि चोट की वजह से बहुत परेशान रहे वो भी अभी तक रस्टी दिखाई दे रहे हैं। 2 कैच ड्रॉप हुए रसल के, फायदा उठाना चाहिए था, इतना बड़ा एडवांटेज दिया लेकिन उसका भी फायदा रसल नहीं उठा पाए। पहले मॉर्गन और उसके बाद रसल। देखिए मॉर्गन ने 2 बार बल्लेबाजी की और दोनों बार काफी लेट आए थे, इस बार थोड़ा सा वक्त था, लेकिन मॉर्गन ऐसे खिलाड़ी है जिनको थोड़े गेंदे लगती है सेट होने में, और आज लग रहा था कि वो थोड़े जल्दी में थे और जो शॉट मारा था मुझे लगता है थोड़ा जल्दी कर बैठे, क्योंकि पिच का मुआयना करना चाहिए था। पिच इतनी आसान नहीं थी कि आके सीधे आप छक्के लगाओ, जो सेट बैट्समैन थे वो भी आउट होके उन्होंने काम मुश्किल कर लिया। तो मॉर्गन अभी तक लय में नहीं आया और उनको थोड़ा सा टाइम लगता है आईपीएल में लय में आने का, लेकिन चिंता थोड़ा एंड्रयू रसल का है। पिछला सीजन उनका खराब गया लेकिन बिल्कुल एकदम रस्टी लग रहे हैं, बिल्कुल मैच फिट नहीं लग रहे, बॉलिंग ठीक ठाक कर रहे लेकिन बल्लेबाजी शायद मुझे लगता है समीप और अंजुम इनका जो फॉर्म बदलेगा जब यहां से निकल के वो वानखेड़े स्टेडियम जाएंगे, केकेआर जब चेन्नई के मैचेस खत्म हो जाएंगे और वानखेड़े जाएंगे तब शायद उनका फॉर्म वापस आ जाए। चलिए लेकिन अंजुम अगर बात करें मॉर्गन का पिछला सीजन भी अच्छा नहीं गया था, और दूसरी बात अभी भी ट्रेंट बोल्ट ने कहा है कि क्रुणाल ने इस मैच में हमें कमबैक करवाया, क्रुणाल ने जो विकेट लिया वो बड़ा अहम विकेट था जहां से हम लोग वापस आए मैच में, तो ये इस बारे में क्या कहेंगे? मॉर्गन का लगातार दूसरा सीजन है, अब तक फॉर्म में आ जाना चाहिए था। दूसरी चीज क्रुणाल पांड्या का बारे में ये कहना ट्रेंट बोल्ट का, आई थिंक ट्रेंट बोल्ट हम सभी जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है इस मुंबई लाइनअप के अंदर, और जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं खासतौर पर लास्ट में जब आके उन्होंने बहुत बढ़िया शानदार फुल बॉल डाला पैट कमिंस को। लुक हमें पता है कि ये इतने अच्छे गेंदबाज हैं तभी सलामी गेंदबाजी करते हैं, कई दफ़ा 3 ओवर लगातार भी डालते हैं, पर एक गेंद जो राहुल चहर ने डाली त्रिपाठी को जो रेगुलेशन लेग स्पिन डिलीवरी थी, खड़े खड़े विकेट पे ही कट बिहाइंड हो गए राहुल त्रिपाठी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ से जो एक सिलसिला था ना जो डाउट क्रिएट कर गया बल्लेबाजों के माइंड में कि ये विकेट पे बॉल बहुत ज़्यादा टर्न कर रहा है, बिकॉज राहुल चहर थोड़ा तेज डालते हैं गेंदबाजी, वहाँ से बिल्कुल खुल गया शुभमन गिल के आउट होने के बाद, और जैसे ही त्रिपाठी आउट हुए मुझे लगता है कि जो कॉन्फिडेंस था बल्लेबाजों का कि जाइए बल्ला घुमाने लगिए क्योंकि 152 ही तो चाहिए। बिल्कुल, और पहले 2 बल्लेबाजों का स्कोर हटा दें 57 और 33, उसके बाद एक भी खिलाड़ी डबल डिजिट नहीं छू पाया, और आज की अगर हम बात करें गेम चेंजर ड्रीम 11 गेम चेंजर की तरफ जाने का वक्त भी आ गया। हालांकि नीतीश राणा की बल्लेबाजी आप देख रहे हैं अच्छी हुई, लेकिन आज 5 विकेट लेकर जो कमाल किया 2 ओवर्स में, इनको ड्रीम 11 गेम चेंजर चुना गया है। सबसे ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स फैंटेसी पॉइंट्स यहां पर 161 यहां पर आंद्रे रसल के खाते में आए हैं, तो आज का सबसे बड़ा गेम चेंजर माना गया है। भले ही हारी हुई टीम के हो लेकिन ड्रीम 11 गेम चेंजर में इनकी बड़ी जीत हुई है, यहां पर फैंटेसी पॉइंट्स 161 और इन्होंने 5 विकेट भी, और दूसरे हैं आज के मैच को जिताने वाला वो खिलाड़ी राहुल चहर जो है आज के दूसरे बड़े गेम चेंजर, 122 क्रेडिट पॉइंट्स यहां पर 4 विकेट भी चटकाए, और अभी अभी अंजुम भी तारीफ कर रही थी और संजय मांजरेकर भी तारीफ कर रहे थे, और तीसरे बड़े गेम चेंजर जिन्होंने आज शानदार बल्लेबाजी की वो भी जीती हुई टीम की तरफ से। आज वैसे प्रदर्शन ऐसा लग रहा था कि कौन ज्यादा खराब खेलेगा, और ज्यादा खराब केकेआर खेली तो मुंबई इंडियंस जीत गई। और तीसरे बड़े गेम चेंजर 91 अंकों के साथ सूर्य कुमार यादव, और इन तीनों गेम चेंजर्स के क्रेडिट पॉइंट्स के बारे में थोड़ी एक प्रतिक्रिया दोनों एक्सपर्ट्स के साथ। संजय सबसे बड़े गेम चेंजर और उसके बाद राहुल चहर और उसके बाद हमने देखा सूर्य कुमार यादव, क्या कहेंगे गेम चेंजर्स के बारे में? एंड्रयू रसल ने 5 विकेट निकाले तो पॉइंट्स जरूर मिलेंगे जिन्होंने उनको सिलेक्ट किया, लेकिन मैच के मुताबिक
अगर देखे तो तब तक मैच काफी फंस गया था और एंड्रे रसेल ने आके उस पे बोलते हैं ना फिनिशिंग ऑन द टॉप किया और 5 विकेट आखिर में मिल गए, लेकिन उसके पहले मुंबई इंडियंस फंस ही गई थी। एक्चुअल जो गेम चेंजर है वो ड्रीम 11 फैंटेसी लीग में भी अच्छे उनको पॉइंट्स मिले और ग्राउंड पे भी उन्होंने एक्चुअली गेम चेंज किया। वो थे राहुल चहर, जैसे अंजुम ने कहा वो टर्निंग गेम त्रिपाठी की, उसके बाद और 3 विकेट लेना और 4 विकेट लेके उन्होंने पूरा मैच का फेर बदल कर दिया, तो वो सचमुच एक गेम चेंजर थे। चलिए वक्त हमारे पास इतना ही, नंबर 1 लेकिन फैंटेसी लीग में नंबर 2 जी। शुक्रिया शुक्रिया संजय, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अंजुम से भी दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों एक्सपर्ट्स का, ड्रीम 11 में लगातार फैंटेसी क्रिकेट के व्यूअर्स को अपनी टीम बनाने में मदद कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपको बहुत मजा भी आ रहा होगा और जीत भी रहे होंगे। जैसा कि मैंने कहा आज के शो में फिलहाल इतना ही, कल शाम ठीक इसी जगह और शाम 7 बजे आपसे मिलेंगे। और कल IPL में बहुत बड़ी भिड़ंत भी है, विराट कोहली बनाम डेविड वार्नर की टक्कर, तो कौन मारेगा बाजी इस पर कल होगी बात। फिलहाल